नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 61 यक्षन में क्या जी अनमोल चैनल पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 61 यक्षन में क्या जी अनमोल चैनल पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे 61 यक्षन का डेट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या जी अनमोल चैनल 61 यक्षन में पार्टिसिपेट कर सकता है या स्लॉट जीत के 61 यक्षन 17 अगस्त से डीडी प्रीडिस पर ऐड हो सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐड हो सकता है अगर जी अनमोल चैनल 61 यक्षन में भाग लेता है। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या 61 यक्षन में जी अनमोल चैनल भाग लेता है कि नहीं लेता है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार जी अनमोल चैनल 61 यक्षन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों ये चारों चैनल स्टार उत्सव, सोनीपल, जी अनमोल, करण रिश्ते, ये चारों चैनल डीडी फिडिस को एक साथ छोड़ के जाते हैं, और डीडी फिडिस पर जब इनको आना होता है तो एक साथ ही आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर एक या दो स्लॉट के लिए ही 61 यक्षन होता है तो उसमें जी अनमोल चैनल नहीं आएगा, बल्कि अगर प्रसार भारती स्लॉट को बढ़ाता है तब संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन चारों चैनल का एक साथ 61 यक्षन में भाग लेने का, उसके बाद स्लॉट जीत के 17 अगस्त से डीडी फिडिस पर ऐड होने के। तो दोस्तों, आपको भी वेट करना है, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि प्रसार भारती स्लॉट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।